चलिए आज हम अपनी क्लास शुरू करते हैं। और आज की क्लास के बारे में यदि हम देखें तो हम जो करने वाले हैं वो है इलेक्ट्रिक फर्नेस, इलेक्ट्रिक इंडक्शन फर्नेस। इलेक्ट्रिक में भी दो तरह की फर्नेसेस हैं, एक होती है आपकी इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस और एक होती है इलेक्ट्रिक इंडक्शन। तो आप में से कोई ये बता सकता है ये इंडक्शन का मतलब क्या है? कहीं देखा आपने कुछ इंडक्शन, किसी ने देखा है? अपना माइक खोल के बता, बोल सकते? हाँ बताइए क्या देखा सर? वो इंडक्शन जिसपे सर अपन खाना वगैरह पकाते हैं उस टाइप का। यहाँ पर देखें तो अपन किसकी बात कर रहे हैं, एक इंडक्शन प्लेट है ना, उसके ऊपर अपन चाय बना सकते हैं, खाना बना सकते हैं। अब उसमें एक चीज रहती है कि आप उस इंडक्शन पर हर कोई बर्तन पे नहीं पका सकते, उसमें बर्तन कौन सा होना चाहिए आपका? कंडक्टिव। तो आपने देखा होगा उसके बीच में, मतलब वो बेस जो रहता है जिसमें गर्म करते हैं उसको कंडक्टिव बनाया जाता है, उसी बर्तन में पकाया जाता है। अच्छा, दूसरी एक और खास बात है कि वो बर्तन में रखा खाना पक जाता है लेकिन बर्तन गर्म नहीं होता है ना, इंडक्शन की ये भी खासियत है कि नहीं? आपने खाना बनाते समय देखा होगा ना, वही यदि हम गैस के चूल्हे में लगाए तो गैस के चूल्हे में वो तवा भी गर्म हो जाएगा और रोटी भी गर्म हो जाएगी, इसमें रोटी नहीं बनती। हालांकि ये अपन चाय का बोल रहे हैं तो यहाँ पे तपेली भी गर्म हो जाएगी गैस के चूल्हे में और चाय भी गर्म हो जाएगी, लेकिन यदि हम इंडक्शन में बनाएंगे तो इंडक्शन पे आप हाथ लगा सकते हो, वो गर्म नहीं होती है प्लेट। आप उस बर्तन को भी हाथ लगा सकते हो, उसमें आप कोई गर्म नहीं होता है, लेकिन उसके अंदर चाय उबलने लगती है। सही है कि नहीं? ये तो है ना। हाँ चलिए आइए, अब ये जो वर्ड फाइल दिख रही है आप लोगों को जो मैंने शेयर किए, अब आइए अब अपन शुरुआत करते हैं। तो आज का हमारा चैप्टर है इंडक्शन फर्नेस या प्रेरण भट्टी। यूट्यूब पर मैंने एक दिया था, हम क्लास शुरू करने के पहले थोड़ा सा कंफर्म कर लेते हैं या आपने वीडियो देख लिया है। एक पीडीएफ मैंने अलग से भेजी थी, वो भी आपने देख ली होगी। और अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि इसका अध्ययन करने के बाद, वीडियो का, पीडीएफ का या आपके टॉपिक के अध्ययन के बाद आपको ये समझ में आ गया होगा इंडक्शन फर्नेस के कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं और इसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या होगा। तो बता सकता है क्या होता है वर्किंग प्रिंसिपल, यदि आप लोगों ने वीडियो देखा है या पीडीएफ देखी है? इंडक्शन हीटिंग पर कार्य करता है। हाँ, इंडक्शन हीटिंग पर काम करता है, ये इसका वर्किंग प्रिंसिपल है। ठीक है, और कंपोनेंट कौन कौन से होते हैं बताइए कुछ। इंडक्शन हीटिंग पे काम करता है, इसके साथ कंपोनेंट कौन कौन से होते हैं? अकेले इंडक्शन हीटिंग पे काम नहीं करता, एक और लगता है इसमें, कोई बता सकता आप में से? जिसने पीडीएफ पढ़ी हो या वीडियो ध्यान से देखा हो वो बता सकता है। बोलिए, कोई बता सकते हैं? नहीं बता सकते? चलिए आइए। तो इसमें अब हम जो बात करेंगे, ये मैंने यूट्यूब से ही वीडियो लिया था जो आपको भेजा था, इंडक्शन फर्नेस वर्किंग थ्रू एनिमेशन, ग्रेस्प इंजीनियरिंग से लिया हुआ है और मैं इसको यहां से शुरू कर रहा हूं। तो इसमें बेसिकली दो प्रिंसिपल यूज होते हैं, पहला है इंडक्शन हीटिंग, दूसरा है जूल इफेक्ट या ओमिक रेसिस्टेंस। दो है इसमें, एक नहीं बल्कि दो है। क्लियर? चलिए, आपको दिख रहा है ये जो मैंने यूट्यूब अभी लगाया है? से यस सर। अब अपन देखिए यहां से देखते हैं कि इसमें सबसे पहले एक फर्नेस की बॉडी होती है जो आपको दिख रही है, ठीक है ना? ये आपको बॉडी दिख रही होगी, यहाँ पे दिख रही है जो अभी गोल गोल घूम रहा है, चूंकि अभी अपन ने लिया इसको सर्किल में है बॉडी ऑफ फर्नेस। तो सबसे पहले इंडक्शन में फर्नेस में बॉडी होगी और बॉडी के अंदर क्या होगा? क्रूसिबल विथ रिफ्रेक्टरी लाइनिंग। क्रूसिबल विथ रिफ्रेक्टरी लाइनिंग मतलब एक कटोरी, लेकिन वो किस मटेरियल की है? मतलब रिफ्रेक्टरी मटेरियल। रिफ्रेक्टरी मटेरियल को यदि अपन देखें तो आप लोगों ने वो देखा होगा जो इलेक्ट्रिक के पोल होते हैं उसमें वो लगा रहते ना माइका ब्राउन कलर का, वो रिफ्रेक्टरी मटेरियल है। देखा है कभी आपने जो इंसुलेटर बने होते हैं जिसके?
अभी आपको इसमें दिख जाएगा, हाँ है ना, नहीं कॉपर नहीं, इसमें सबसे पहले क्या था बॉडी, और इसके बाद क्या थी अपनी रिफ्लेक्टरी क्रूसिबल, और ये जो आपको दिख रहा है ना इस तरीके से गोल गोल घुमा हुआ, इसमें लगी हुई है ये कॉपर ट्यूब, ये गोल गोल यहाँ पर क्रॉस सेक्शन में गोल गोल दिख रहे हैं। एक्चुअल में आप यहाँ पर देखें तो आपको ऐसा कुछ दिखता है ना अपने को इलेक्ट्रिकल की लाइनिंग में, जो अपन पाइप के अपने इलेक्ट्रिक पोल के पास देखते हैं, वो वायर लेके टाइट करते हैं, कसते हैं, तो इस तरह का एक मतलब माइका का बना हुआ, चीनी मिट्टी का जैसा बना, मिट्टी, हाँ चीनी मिट्टी जिसको बोलते हैं राइट, तो वही क्या है क्रूसिबल विद रिफ्रेक्टरी मटेरियल, रिफ्रेक्टरी मटेरियल वो एक्चुअली चीनी मिट्टी इंसुलेटर है, लेकिन वही मतलब उससे अलग हटके रिफ्रेक्टरी मटेरियल जो अपन ने किसमें देखा था, फर्नेस में देखा था कि वो क्या थी, ब्रिक थी या एल्यूमिनियम ऑक्साइड था या सिलिका ऑक्साइड है, ये अपने रिफ्रेक्टरी मटेरियल से, तो वो एक वो देखने में लगा था, ये देखने में ऐसा लग रहा है, लेकिन इसमें आप एक चीज हो रहा है कि साइड में क्या गई है, कॉपर ट्यूब गई है, ये कॉपर ट्यूब है जो क्रॉस सेक्शन में दिख रहा है आपको। अब होगा क्या कि ये कॉपर ट्यूब में हम सप्लाई देंगे, ठीक है, करंट पास करेंगे, तो ये होंगे गर्म, तो ये हॉलो कॉपर ट्यूब यूज करते हैं, खोखली कॉपर ट्यूब है जिसमें कि अपन जो है इसको ठंडा करते हैं पानी से, यहाँ पर देखिए कोल्ड वाटर इन हो रहा है और पानी कौन सा बाहर निकलेगा, हॉट या वार्म वाटर। तो कॉपर ट्यूब के दो पर्पज हो गए, कॉपर ट्यूब एज अ क्वाइल यूज हो रहा है किसके लिए, सप्लाई देने के लिए, और उसी में फिर हम क्या कर रहे हैं, कूलिंग के लिए हमने पानी को सर्कुलेट कर रहे हैं। तो अभी तक अपन ने तीन चीजें इसमें दिख रही है आपको पिक्चर में, ठीक है कि नहीं, दिख रही है कौन कौन सी चीज दिख रही है, फर्नेस की बॉडी, इसके बाद क्रूसिबल विद रिफ्लेक्टरी लाइनिंग, और उसके बाद क्या दिख रही है, कॉपर ट्यूब। अब देखिए अपन इसमें क्या करेंगे, ये अपना क्रॉस सेक्शन है जो अपने तो एग्जाम में बनाना है, और ये वाला जो आपको सेक्शन दिख रहा है ये एक्चुअल है। आप लोग अपने माइक बंद करें पीछे से, क्योंकि आवाज आ रही है, जब बोला जाए तभी शुरू करें। अब अपन इसके आगे बढ़ते हैं और इसमें हम देख रहे हैं कि ये काम कैसे करेगा। तो अभी अपन ने जो बात करी थी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की, अब आइए अपन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में देखेंगे इसको। जब हम आगे बढ़ेंगे इसमें और देखेंगे यहां पर कि ये हमने रखे इसमें हमारे मेटल स्क्रैप जिसको हम पिघलाना चाहते हैं, ठीक है, और ये जो कॉपर ट्यूब है उसमें हमने सप्लाई की क्या, हाई फ्रीक्वेंसी एसी, यूजुअली फ्रीक्वेंसी क्या अपनी 50 हर्ट्ज और 60 हर्ट्ज, इंडिया में 50 हर्ट्ज से यूएसए में 60 हर्ट्ज पे सप्लाई देते हैं, लेकिन इसको हम बढ़ा देंगे और सेकेंडरी कॉइल में जाकर के जब ये हो जाएगी 400 किलो हर्ट्ज तक होता है। अब जैसे आप सप्लाई देंगे तो इसके अंदर ये भंवर धाराएं बनना शुरू हो जाएंगी, जैसे इस तरफ आप देख रहे हैं आपके लेफ्ट में देख रहे हैं तो भंवर धारा है, और म्यूचुअल इंडक्शन के कारण राइट में भी क्या होगा, भंवर धाराएं बनेंगी, क्लियर, ये एडी करंट कहलाती है, इसके कारण भंवर धारा है, और यही भंवर धारा है जो है फिर आप यहाँ पर देख रहे हैं कि ये जो मेटल के पीस रखे हैं कंडक्टिव मटेरियल के, कंडक्टिव मटेरियल को कर सकते हैं अपन, तो इसके यहाँ पर भी आ रहा है। अब ये हुई इंडक्शन, केवल इंडक्शन। अब इसके कारण क्या होता है, जूल इफेक्ट के कारण इसमें हीट होती है डेवलप, और हीट जो प्रोड्यूस होती है वो क्यू जो होती है वो समानुपाती होती है आई स्क्वायर आर के, आई इज द करंट आर इज द रेसिस्टेंस। तो आप देखिएगा कि यहां पर जो है आपने ट्यूबुलर फर्नेस में देखा होगा कि वहां पर क्या हो रहा था कि कोयला था आग थी सब एक साथ थे, लेकिन यहां पर डायरेक्ट कॉन्टेक्ट नहीं हो रहा है, ये देखो आप अभी सॉलिड थे ये क्या हो गए आपके मेल्ट हो गए ना, लेकिन इसमें कोई ऐसा फ्यूल जैसा कोई चीज नहीं है कि कोई फ्यूल्स हो या कुछ हो, इसमें क्या है कोई ईंधन नहीं है, मतलब ये किस तरह की हो गई, नॉन कॉन्टेक्ट। नॉन कॉन्टेक्ट का मतलब क्या हुआ, आपने वो फर्नेस देखी थी, उस फर्नेस में क्या था, कोक था, फ्लक्स था, इसके बाद क्या था, मेटल था, और आप आग लगाते थे पिघलता था, मतलब सब कॉन्टेक्ट में था, लेकिन यहाँ पर जो पीस है क्रूसिबल में आपने स्क्रैप रखा और स्क्रैप रखने के बाद आपने सप्लाई दिया, तो यहाँ पर एक क्या होगी, करंट फील्ड बनेगी और एक स्ट्रब बनेगी, दोनों क्या कहलाएंगे, भंवर धारा है, और ये भंवर धाराओं के कारण जो होगा जूल इफेक्ट के कारण इसमें हीट प्रोड्यूस होगी और वो होगी समानुपाती आई स्क्वायर आर की, क्लियर, ये चीज समझ में आई, यहां तक की चीज समझ में आई पिक्चर से। अब हम इसको एक बार देखते हैं हमारे पीडीएफ पर, अब हम पीडीएफ पे बात करते हैं, पीडीएफ पे सीक्वेंस के थ्रू हो जाएगा,
तो आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। इसमें पीडीएफ ये है, यस, जो मैंने आपको पीडीएफ शेयर की थी ये भी नेट से ही ली गई है। तो इंडक्शन फर्नेस के बारे में कुछ समझ में आ रहा है अब आपको, कौन कौन से अवयव होते हैं? एक तो होती है आपकी बॉडी, एक होती है आपकी क्रूसिबल, एक होती है आपकी कॉपर ट्यूब और उसमें सर्कुलेशन करते हैं। अब ये एक नई वाली आपको पीडीएफ खुल गई होगी, शेयर की है जो मैंने, आ गए ना? यस सर। अब इसमें देखिए क्या लिखा है कि इलेक्ट्रिक इंडक्शन फर्नेस जो है ये मेल्टिंग फर्नेस है, इसमें हम क्या यूज करते हैं, इलेक्ट्रिक करंट। हमने करंट दी थी कॉपर कॉइल में किसके लिए, मेटल को मेल्ट करने के लिए। ये आदर्श है, इसमें हम कई तरह के मेटल्स को ले सकते हैं, कॉपर को ले सकते हैं, एल्यूमिनियम को ले सकते हैं, माइल्ड स्टील को ले सकते हैं, मतलब कंडीशन ये है कि वो कंडक्टिव मटेरियल होना चाहिए विद मिनिमम मेल्ट लॉस। तो ये इसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या है कि ये किस पे काम करता है, इंडक्शन हीटिंग, जो ऋतिक बोले थे कि इट वर्क्स ऑन द इंडक्शन हीटिंग, तो वर्ड यहां का था उन्होंने कहा था। लेकिन इंडक्शन हीटिंग के साथ एक और फिनोमेना इसमें होती है, वो क्या होता है, इट इज बेसिकली डिपेंड ऑन टू फिजिकल फिनोमेना, वन इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन और दूसरा जूल इफेक्ट। और ये जो है नॉन कॉन्टेक्ट हीटिंग है, जिसमें कि मेटल के साथ कोई भी फ्लेम नहीं आती है या गर्मी नहीं होती है, नॉन कॉन्टेक्ट होती है। तो इसलिए अब अपन देखें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन जो अपन ने देखा है अभी, मैंने जो उसमें बताया था आपको वीडियो में, वही यहाँ पर लिखा हुआ है कि यदि इस कॉपर कॉइल में मैंने हीट प्रोड्यूस की तो ये यहाँ पर क्या बनना शुरू हो गई, आपने देखा लेफ्ट और राइट में कॉन्सेंट्रिक क्या बनना शुरू हो गई, एडी करंट। अब एडी करंट को हम इस कॉइल को पास में लाते जा रहे हैं, कहां पर ला रहे हैं, इस कंडक्टिव मटेरियल के पास। तो सेकंड केस में ये पास में आ गया, तो आपने देखा इसमें भी करंट प्रोड्यूस हुए, राइट? और यहां पर इन दोनों कारण क्या हो रहा है, ये जो येलो कलर से दिख रहा है ये क्या हो रहा है, हीट प्रोड्यूस हो रही है जो इसको पिघलाए। तो ये बेसिकली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एक्चुअल में किस प्रकार से दिखती है हमारी, वो ये यहां पर बताई गई है कि ये कॉपर ट्यूब है, ये कॉपर ट्यूब किस पर होगी, अंदर क्रूसिबल पर लपटी हुई होगी, और इसमें जो पानी जा रहा है ये जो बताया गया व्हाइट कलर के एरो से, ये क्या है, ठंडा पानी आप भेजते हैं और यहां से वार्म पानी निकल जाता है, जिससे कॉपर ट्यूब आपकी क्या रहती है, कूल रहती है, क्योंकि मेटल तो 1600 डिग्री सेंटीग्रेड पर बॉयल हो रहा था। इसमें जो हीटिंग होती है कॉइल में वो 1600 डिग्री सेंटीग्रेड नहीं होती, बल्कि जो करंट पास होता है उससे कारण होती है। तो ये आप ये वाला पिक्चर भी बना सकते हैं अगर वर्किंग प्रिंसिपल बताना हो, तो एकमात्र पिक्चर ये भी बता सकते हैं कि यहाँ पर ये हमारी जो है कॉपर ट्यूब लगी हुई है, ये हमारा क्या है, फर्नेस की बॉडी है, ठीक है नी, फर्नेस की बॉडी पर कॉपर ट्यूब लगाई हुई है हमने और यहाँ पर हमने सप्लाई दी, तो ये अपनी जो है भंवर धाराएं प्रोड्यूस हो रही है और इसमें ये पानी जो हम सप्लाई कर रहे हैं कूलिंग के लिए। अब जूल इफेक्ट किस प्रकार से कार्य करता है वो देखें। जूल हीटिंग को हम ये बोलते हैं ओहमिक रेसिस्टेंट ओहमिक हीटिंग या रेसिस्टिव हीटिंग, इस नाम से भी हम इसको जानते हैं। इस प्रोसेस में क्या होता है कि जब भी हम कोई करंट पास करते हैं कंडक्टर के थ्रू तो वो हीट प्रोड्यूस करता है। आप यहाँ देखिए पिक्चर नंबर वन में, ये आपने उसमें भी देखा होगा अपनी पानी की राड होती है, देखा है ना आपने पानी की राड, उस तरह का लगा हुआ है कॉपर ट्यूब, है ना, जो सर्दी में अपन बाल्टी में डाल के गर्म करते हैं उस तरह की है। अब इसके बीच में अपन ने क्या किया, इसके बीच में पानी रहता है तो पानी गर्म करता है, लेकिन यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ कि यदि इस कॉइल में आपने करंट सप्लाई किया और बीच में कंडक्टिव मटेरियल रख दिया, राइट, तो कंडक्टिव मटेरियल रखने से इसमें हीट प्रोड्यूस होगी जो समानुपाती होगी करंट के स्क्वायर के बराबर, आई स्क्वायर डॉट आर, आर फॉर रेसिस्टेंस। तो अब आप देख रहे हैं इस पिक्चर में कि हो क्या रहा है कि ये कॉपर की कॉइल नहीं मेल्ट हो रही है, क्या मेल्ट हो रहा है, बीच वाला कंडक्टिव जो कि एमएस का है, ये कहलाती है हमारी जूल हीटिंग। तो जब हम इंडक्शन फर्नेस की बात करेंगे, उसके वर्किंग प्रिंसिपल की बात करेंगे, तो पहली चीज आएगी हमारी इंडक्टिव हीटिंग या प्रेरक ऊष्मा, और दूसरा हमारा आएगा जूल हीटिंग या जूल ऊष्मा। जूल ऊष्मा में हम ओहमिक या रेसिस्टिव हीटिंग भी बोलते हैं। इसका सीधा सा लॉजिक है कि यदि किसी पैसेज से करंट पास हो रही है तो उसमें यदि कंडक्टर हो इट रिलीजेस हीट, और ये हीट जो प्रोपोर्शनल होगी वो आई स्क्वायर आर के बराबर। तो यहां तक अपन ने क्या देखा, बेसिक कंपोनेंट
इसके बाद क्या देखा अपन ने इसमें कि वर्किंग प्रिंसिपल। अब हम आते हैं इसके टाइप्स कितने होते हैं। तो टाइप्स के लिए भी आपने पीडीएफ देखा होगा, आपके क्यूवी में भी है। तो आप में से कोई मुझे ये बता सकता है कि कितने टाइप के होते हैं ये? मैं आगे बढ़ू उसके पहले पूछना चाहता हूँ, कोरलेस टाइप और चैनल। कोरलेस टाइप और चैनल टाइप। चैनल टाइप। तो अभी अपन ने जो पढ़ा था वो कौन सा था? कोरलेस टाइप, ठीक है ना, उसमें कोरलेस है। अब अपन देखेंगे चैनल टाइप, इसमें लिखा हुआ है ये सब मैं आपको बता चुका हूं। इसके कुछ फायदे हैं वो भी नीचे भी है, यहाँ पर भी देख लें कि ये एक तो रैपिड है, जल्दी अपने को मेल्ट मिल जाता है, साफ रहता है क्योंकि इसमें कोई कोयला नहीं जला रहा है, कोई धुआं नहीं निकल रहा है, कोई डस्ट मतलब कोई राख नहीं बचेगी, और ये चूंकि धुआं नहीं निकल रहा है तो पॉल्यूशन नहीं हो रहा है, और ये छोटे साइज से लेके बड़े साइज तक अवेलेबल है, और इसमें इंडक्शन कॉइल इज कूल टू द टच, मतलब यहाँ पर अपन देखें इसको अपन कूल करते हैं ठंडे से। तो फीचर्स ऑफ इंडक्शन फर्नेस अपन बात कर ही चुके हैं इसके मामले में। कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडक्शन फर्नेस में यदि मैं यहाँ पर देखूं तो ये अपन देख चुके हैं, ये वाला कौन सा वाला है आपका, कौन सा वाला है ये? कोरलेस, इसमें कोई कोर नहीं है, एक बॉडी है ना, उसमें ये आप देख रहे हैं कॉपर ट्यूब है, ये बॉडी के अंदर आएगी, ये बॉडी है इसके अंदर ये आएगी, और बीच में यहाँ पर अंदर की तरफ देख रहे हैं ये क्या है आपका, क्रूसिबल है, इसके अंदर आप मेटल डालेंगे, यहाँ पर कॉपर ट्यूब में आप सप्लाई देंगे, और यहाँ से वाटर का इनलेट है जो इसको ठंडा करेगा, बाहर निकल जाएगा। तो यहाँ पर ये वाला फिगर तो नहीं, आप सिंपल बहुत सारे फिगर है जो आप बना सकते हैं, या हमने जो यूट्यूब में देखा है वो वाला पिक्चर बना दें, तो वो वाला कौन सा होगा आपका? कोर लेस इंडक्शन फर्नेस, ठीक है, क्योंकि ये हॉलो सेक्शन होता है बीच में, और साइड में क्या होती है, कॉपर ट्यूबिंग होती है हेलिकल शेप में। तो ये अपना था कोरलेस। अब अपन बात करें चैनल टाइप में। चैनल टाइप में ये पिक्चर बनी हुई है, इसमें यहाँ पर देख रहे हैं आप कि यहाँ पर सप्लाई नहीं हो रही है, बल्कि ये इसके बीच में है ना, दोनों के बीच में चैनल बना दी गई है जहां पर कि ये हीट सप्लाई हो रही है, और इसके कारण अंदर का मेटल जो है वो अपना पिघल रहा है। इसमें स्पॉट भी होता है, मतलब जिससे कि आप मेटल को निकाल सकते हैं, ये लोअर है। टाइप्स में केवल आपको पिक्चर बनाना है, एक कोरलेस और एक चैनल। चैनल के बारे में यदि हम पढ़े, ये देखिए चैनल्स बनी हुई है, ये इंडक्टर लाइनिंग है यहाँ पर बनी हुई है, ये अपना इंडक्टर लाइनिंग दो तरीके के हैं, ये सिंगल चैनल है, यहाँ पर ये डबल चैनल्स हैं। तो ये चैनल टाइप में, चैनल टाइप के फर्नेस में लिखा हुआ है ऑलमोस्ट वही है, वर्किंग प्रिंसिपल भी वही है, तो हम इसकी डिटेल में नहीं जाते हैं। फायदे की बात यदि हम करें, इसके फायदे क्या क्या है, तो इसमें कंबस्टन सोर्स नहीं है, मतलब हम इस तरीके से नहीं कर रहे हैं कि कोई ज्वलन हो रहा हो, कोई चीज जल रही हो, तो ऑक्सीडेशन लॉसेस नहीं होते हैं इसमें। स्टार्ट हम इसको बहुत जल्दी कर सकते हैं, जबकि हमने क्यूपुला में देखा था कि उसको 3 घंटे पहले शुरू करना पड़ेगा, तब जाकर के आपको पिघला हुआ मेटल मिलेगा। इसमें कोई इनिशियली मोल्टन मेटल की जरूरत नहीं है स्टार्ट करने के लिए, मीडियम फ्रिक्वेंसी कोरलेस इक्विपमेंट। इसके बाद नेचुरल स्टीयरिंग, इसमें हमको हिलाना नहीं पड़ता कि कोई एक डाल दिया अपन ने, किसी चीज गर्म हो रही तो जैसे अपन दूध को हिलाते रहते हैं कि वो उसमें ना लगे, स्टीयरिंग एडी करंट से कारण ही होती है, मेल्टिंग क्लीन होती है, और इंस्टॉलेशन जगह बहुत कम लेता है एज कम्पेयर टू क्यूपुला फर्नेस। इसमें रिफ्लेक्ट्री जो होती है बहुत छोटी होती है, लेस देन यूनिट, इतना बड़ा नहीं होता। वर्किंग एनवायरनमेंट साफ सुथरा रहता है, कोई कम्बशन गैस नहीं रहती, और इसमें एनर्जी कंजर्वेशन होता है, अगर अपन एफिशिएंसी देखें तो 55 से 75% होती है, जबकि वही क्यूपुला फर्नेस में 30% के नीचे होती है। इसके कुछ जो डिसएडवांटेज बताए गए हैं वो क्यूपुला के कंपेरिजन में नहीं बताए गए, बल्कि इलेक्ट्रिक आर्क के कंपेरिजन में बताए गए हैं कि इलेक्ट्रिक आर्क जो है उससे इंटेंसिव होता है, मतलब तीव्रता उसकी ज्यादा होती है। इसमें रिफ्लेक्ट्री लाइनिंग की जो लाइफ होती है वो एज कम्पेयर टू इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस कम होती है, और यहाँ पर रिमूवल ऑफ स्क्रैप एंड पी मतलब जो पॉल्यूशन है वो बहुत लिमिटेड होता है, मतलब। तो इस तरीके से हम देखें एडवांटेज 2-3-4 कर लें आप, और बेसिकली जो क्वेश्चन आता है क्यूपुला फर्नेस की हम बात करें, तो इसमें हम जो क्यूपुला फर्नेस की बात कर रहे हैं इंडक्शन फर्नेस की, तो इंडक्शन फर्नेस में हमको जो क्वेश्चन आ रहा है हम उसमें सबसे पहले लिखें कि इंडक्शन फर्नेस जो है नॉन कॉन्टेक्ट टाइप की है, राइट,
इसके वर्किंग प्रिंसिपल जो है इंडक्शन हीटिंग पर है, जिसमें कि इंडक्शन हीटिंग होती है, इंडक्शन हीटिंग में जब हम ट्रांसफॉर्मर एक कॉइल को पास करते हैं तो बीच में जो है भंवर धारा उत्पन्न होती है, एडी करंट्स या भंवर धाराओं के कारण जो मेटल है वो हमारा हीट प्रोड्यूस के कारण, क्यू जूल इफेक्ट के कारण, जूल हीटिंग के कारण हीट प्रोड्यूस होती है आई स्क्वायर आर, जिसके कारण कि वो मेटल हमारा पिघल जाता है। और एडवांटेज में लिख सकते हैं आप कि क्लीन है, इसमें पॉल्यूशन फ्री है, जल्दी हो जाता है, छोटी साइज से लेकर के बड़ी साइज तक भी है। तो आई थिंक ये अपने आप में मतलब पर्याप्त होगा यदि आप इसको देखेंगे कि इंडक्शन फर्नेस के बारे में लिखना। तो मुझे बताइए इसके अलावा आप कुछ और इंडक्शन फर्नेस में चाहते हो? आपके क्यूबी में जो आपने नोट्स भेजे थे या आपके सिलेबस में जो मैंने सिलेबस से देखा उसमें यही है कि आप इसका कार्यकारी सिद्धांत लिख सकें, वर्किंग प्रिंसिपल लिख सकें, इसका कंस्ट्रक्शन बता सकें, इसके टाइप्स के बारे में बात कर सकें और इसके एडवांटेजेस लिख सकें। एडवांटेजेस कंपेयर टू अदर्स हैं, जबकि डिसएडवांटेज कंपेयर टू केबल इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस के बारे में इसमें। तो अभी तक हमने दो तरह की फर्नेस देख ली है, एक क्यूपुला फर्नेस देखी थी हमने और आज हमने देख ली कौन सी इंडक्शन फर्नेस। अब एक जो नेक्स्ट क्लास में लूंगा, नेक्स्ट क्लास का जो मैं प्लान कर रहा हूँ उसमें एक ओवरऑल पिक्चर आपको दे दूंगा कि फर्नेस क्या है, कितने टाइप की फर्नेस होती है, जो आपने पढ़ा होगा बीच बीच में कि कोई क्रूसिबल फर्नेस बता रहा है, कोई पार्ट टाइप की फर्नेस बता रहा है, ये बता रहा है। बट इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन है वो आप पेपर में देखें और ये देखें कि कितनी बार आया है कौन सा क्वेश्चन। तो फर्नेस का एटलीस्ट एक सवाल इस क्लास को अटेंड करने के बाद आप लोग करके आए तो ये होगा कि जो नहीं पढ़ पा रहा है कम से कम वो पास होने के कगार पे आ जाएंगे और जो पढ़ रहे हैं उनके नंबर इंप्रूव हो जाएंगे, ठीक है ना। अब मुझे इसमें एक चीज बताइएगा कि आप लोग अगर कोई क्वेश्चन हो तो वो क्वेश्चन के बारे में अपन डिस्कस कर लें, स्पेशली इंडक्शन फर्नेस के बारे में। ये चैट के माध्यम से भी शब्द आया था फिनोमिना। हाँ सर, एक वर्ड आया था फिनोमिना, ऐसा कुछ आया था सर इसमें। फिनोमिना मतलब उसको अपन बोल सकते हैं घटना, मतलब जूल अगर सेंटेंस बोलोगे तो मैं एग्जैक्टली बता दूंगा कि आप किसकी बात कर रहे हैं। फिनोमिना मतलब घटना को बोलते हैं अपन अगर इसका हिंदी वर्ड लो, लेकिन सेंटेंस देंगे तो मैं आपको एग्जैक्ट मीनिंग हिंदी में बता दूंगा, उसके आगे पीछे के थोड़े वर्ड्स बोले तो मैं बिल्कुल क्लियर कर दूंगा। तो आप देखिए जब तक वर्ड क्या है तब तक मैं यहां पर इसको लेता हूं। है आपके पास मिला? नहीं सर। नहीं कंप्लीट वर्ड बोली ना सर, वीडियो में आया था वो इंडक्शन फिनोमिना ऐसा कुछ। इंडक्शन फिनोमिना मतलब जो इंडक्शन फिनोमिना मतलब अपन इसको बोलेंगे प्रेरण, प्रेरण घटना के कारण, ड्यू टू इंडक्शन उसके कारण फिनोमिना है ना, घटना है, इसका हिंदी वर्ड है घटना, ठीक है। तो इस तरीके से यदि हम यहाँ पर देखें, हमने इंडक्शन फर्नेस टॉपिक को कवर करना था और हमने यहाँ क्लास में देख लिया है कि इंडक्शन फर्नेस क्या है, उसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, उसका कंस्ट्रक्शन क्या है, उसके टाइप्स क्या है। टाइप्स में यदि आए तो दोनों तरीके के लिख करके आप फिगर बना दें, एक तो आप बना ही लेंगे, दूसरा मैंने बता दिया वो चिरल टाइप का बना। तो इस तरीके से इंडक्शन फर्नेस के क्वेश्चन की हम बात करें तो इसमें हमको क्लास के खत्म होने तक ये पता लग गया है कि इसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, कंस्ट्रक्शन क्या है, टाइप्स क्या है, एडवांटेज क्या है और डिसएडवांटेजेस क्या है। नेक्स्ट क्लास में मैं प्लान कर रहा हूं कि ओवरऑल टाइप्स ऑफ फर्नेस के बारे में हम बात कर लें, जिससे हमारा ये वाला चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो जाए, मेरा मतलब ऐसा प्लान चल रहा है। तो अब आप लोग, अच्छा चैट भी आ गई, मैं चैट पे भी डिस्कस कर लेता हूं कि चैट में लिखा हुआ है सर इलेक्ट्रिक फर्नेस और इंडक्शन फर्नेस बोथ आर सेम, नो नॉट एट ऑल। एक चीज ध्यान दें, इलेक्ट्रिक फर्नेस में दो प्रकार है, एक इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस भी है और एक इलेक्ट्रिक इंडक्शन फर्नेस भी है। इलेक्ट्रिक मतलब हम इनपुट में इलेक्ट्रिक दे रहे हैं, तो इलेक्ट्रिक अकेले से बात नहीं बनेगी, इलेक्ट्रिक के बाद वाले वर्ड को आप देखें कि इलेक्ट्रिक आर्क वाले, इलेक्ट्रिक आर्क का मतलब मैं एनालॉजी करके बताऊं तो हमारी जो बिल्डिंग होती है वो इलेक्ट्रिक आर्क बिल्डिंग होती है, वो आपने देखा है कितनी तीव्रता के साथ वो करंट पास करती है, राइट, वो इलेक्ट्रिक आर्क है। जबकि ये जो हम पढ़ रहे हैं वो इलेक्ट्रिक
इंडक्शन, दोनों में डिफरेंस है कि वहां पर कांटेक्ट हो रहा है और फ्लेम प्रोड्यूस हो रही है, यहां पर कोई कांटेक्ट नहीं हो रहा, मेटल सॉलिड दिख रहा है, इसके बाद फिर वो पिघलने लगा। सर चैनल टाइप इंडक्शन में डायग्राम समझ में नहीं आया। यार डायग्राम समझने की क्या बात है, एक उसमें चैनल है और अभी आप जो देख रहे हैं कि कॉपर ट्यूब लगी है उसमें कॉपर ट्यूब नहीं लगी है, ये क्लियर समझ में आ रहा है क्रॉस सेक्शन में। तो वहां पर चैनल के बीच में जो है हमारा क्या चल रहा है कि कॉइल लगी हुई है, कॉइल के कारण वो जो वहां पर पिघलता जा रहा है, मतलब हीटिंग प्रोड्यूस हो रही है जिससे कारण कि अपना मेटल पिघल रहा है। और ज्यादा समझ में नहीं आ रहा है तो केवल फिगर बना दें, फिगर तो बनाते आ गया है कि नहीं। और इंडक्शन में यदि आप इतना भी लिख देंगे कि इंडक्शन में अगर आप क्वेश्चन देखें तो शायद टाइप्स में नहीं आया, जो क्वेश्चन आता है वो क्या आता है इंडक्शन, तो आप कोरलेस टाइप ही कर दें और शॉर्ट में लिखना हो तो लिख देंगे दो तरीके के होते हैं। और क्या है इसके अलावा चैट, दो चैट मुझे मिली है, इसके अलावा कोई और देखिए। अब हमारा चूंकि टाइम भी होता जा रहा है तो अब हम यहाँ पर अगर ये बंद